हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम, कस्टर्ड आइसक्रीम। इसके लिए 2 गिलास दूध लेंगे या आधा लीटर दूध लेंगे, फिर उसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अच्छी तरह से 5 मिनट और उबालें, जिससे कि थोड़ा दूध गाढ़ा हो जाए। आइसक्रीम बनाने के लिए मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे घोल लूँगी। इसे घोल कर किनारे रख दीजिए। फिर 5 चम्मच चीनी लूँगी। थोड़ी बड़ी चम्मच से 5 चम्मच चीनी ले रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी लें, कम या ज़्यादा, जितना मीठा पसंद करते हैं उस अनुसार आप ले सकते हैं। चीनी घुल जाने के बाद फिर इसमें कस्टर्ड, घोला हुआ कस्टर्ड डाल देंगे। डालकर फिर इसे चलाते रहें, रुकना नहीं चाहिए। रुकने के बाद ये ऐसे एक जगह जम जाएगा, इसलिए इसे चलाते रहें। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए उबाल लेंगे। जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगा, फिर 5 मिनट इसे उबाल कर फिर गैस बंद कर देंगे। फिर इसे ठंडा करके फिर ठंडा करके एक मिक्सी जार लेंगे। उसमें कस्टर्ड डालकर 1 कटोरी मलाई डालेंगे, घर की फ्रेश मलाई डालें। ताज़ी मलाई डालकर मिक्सी में चला लेंगे। फिर इसे एक प्लास्टिक का डब्बा लेंगे, उसमें इस घोल को डालकर ऊपर से एक प्लास्टिक, आपके पास जो भी प्लास्टिक हो उससे उसको ऊपर से हल्के हाथों से उसे ढक दें, जिससे कि उसके ऊपर आइस ना जमे। फिर उसका ढक्कन लगाकर 3 घंटे के लिए इसे फ्रीज में रखेंगे। तीन घंटे के बाद फिर निकाल कर उसे देखेंगे। फिर 3 घंटे हो गए, फिर इसे देख लेते हैं कि आइसक्रीम कैसी जमी है। देखिए, आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है, कितनी अच्छी दिख रही है। लेकिन इसे एक बार फिर हम लोग मिक्सी में इसे पीस कर फिर से डालेंगे। इसे मिक्सी में एक बार आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इसे 1-2 बार और मिक्सी में इसे पीस लेने से ये और भी क्रीमी और टेस्टी बन जाती है। इन सभी को मिक्सी के जार में डालकर फिर मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर चलाएं। अगर लगातार चलाएंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मलाई से घी बाहर आ जाएगा। तो रुक रुक कर चला लें, फिर उसी डब्बे में डालकर 8 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें। फिर इसे वही प्लास्टिक लगाकर 8 घंटे के लिए इसे फिर फ्रीज़र में रख देते हैं।
इसमें ऐसे आइस आइस नहीं जमती है। फिर 8 घंटे हो गए और मैं आइसक्रीम निकाल कर ले आई। अब देखिए आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है। अब आइसक्रीम सर्व करेंगे। आइसक्रीम अभी जस्ट निकाल कर लाई हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइट है। 5 मिनट इसे आप छोड़ देंगे तो फिर ये बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। फिर इसे कटे हुए बादाम डाल कर सर्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।